अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस नेक्स्ट वीडियो ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी सीरीज़। तो इंडोक्राइनोलॉजी सीरीज़ हमारी स्टार्ट है। इससे पहले हमारे पास जो भी वीडियोस हुई हैं उनमें हमने जनरल इंडोक्राइनोलॉजी पढ़ी थी, और इसके अलावा हमने मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स एक्शंस पढ़े थे। अब हम स्पेसिफिक ग्लैंड्स पे आते हैं, और सबसे पहले हमारा है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी कि कोई भी इंडोक्राइन ग्लैंड होगा, थोड़े बहुत डिफरेंसेस होंगे, लेकिन उसका जनरल स्ट्रक्चर यही होगा कि उसका एक स्ट्रोमा होगा, और जो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होगा। ठीक है, वो स्ट्रोमा अंदर जाकर उस ग्लैंड को लोब्स एंड लोब्यूल्स में डिवाइड करेगा, और ब्लड वेसल्स लेके जाएगा और लेके आएगा, और अंदर हमारे पास इंडोक्राइन सेल्स होंगे। हर एपिथीलियल सेल्स तक इंडोक्राइन जो ब्लड वेसल्स की एक्सेस ज़रूर होती है। ठीक है, इसीलिए हर इंडोक्राइन सेल होता है वो अपनी सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में देता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का भी जो हमारे पास इंडोक्राइन पोर्शंस होगा उसका भी यही हमारे पास जनरल फीचर्स यही हो सकते हैं, हिस्टोलॉजिकल फीचर्स। तो हिस्टोलॉजी हम इसलिए डिस्कस करते हैं, कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जैसे हमारे पास लिवर है, तो उनमें आपको हिस्टोलॉजी के बड़े बड़े लेक्चर्स मिलेंगे क्योंकि उनकी हिस्टोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो पिट्यूटरी की भी हम हिस्टोलॉजी इसलिए अलग कर रहे हैं कि अगर इससे आपकी फिजियो का हाफ चैप्टर्स और बहुत ज़्यादा फिजियो हो जाएगी, और फिजियो काफ़ी अच्छी समझ आएगी। तो पिट्यूटरी एनाटॉमी की हमारी अलग लेक्चर होगा, तो उसमें हम एनाटॉमी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे। तो हम पिट्यूटरी स्टार्ट करते हैं। पिट्यूटरी की हिस्टोलॉजी क्या है? सबसे पहले हम पिट्यूटरी के देखते हैं कि टू लोब्स होते हैं। आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास इंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। ठीक है, एक हमारे पास इंटीरियर लोब होता है जिसे हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। अच्छा, इनकी हम एम्ब्रियोलॉजिकल वो देखेंगे कि एम्ब्रियोलॉजिकल एक्स क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन क्या है। एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन अगर आप समझ लें तो उस हिसाब से इनकी एपिथीलियम उसी हिसाब से हमारे पास इंटीरियर पार्ट की हमारे पास कैसे आएगा और पोस्टीरियर पार्ट की हिस्टोलॉजी क्या होगी, तो एम्ब्रियोलॉजी से आपको हिस्टोलॉजी समझने आसान होगी। ठीक है, हमारे पास एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस जिसे हम कहते हैं, हाइपोफाइसिस का लफ्ज हम यूज़ करते हैं पिट्यूटरी के लिए। एडिनो हाइपोफाइसिस हम एंटीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी। और हमारे पास दूसरा होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस जो हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। इनकी थोड़ी सी हम वो देख लेते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल डिवाइड, ये कैसे आए हैं एम्ब्रियोलॉजिकली थोड़ा सा। वैसे तो एम्ब्रियोलॉजी का अलग लेक्चर होगा। सबसे पहले जो हमारे पास एडिनो हाइपोफाइसिस है वो हमारे पास, ये दोनों हमारे पास एक्टोडर्म से ड्राइव्ड हैं, यानी हम एंटीरियर पिट्यूटरी है या पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एक्टोडर्म से ड्राइव होंगे। लेकिन जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी है वो नीचे से ऊपर जाएगा, और जो हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास ये है एंटीरियर पिट्यूटरी, ये नीचे से अपवर्ड, और ये वाला ऊपर से नीचे, और ये हाइपोथैलेमस की। अब हम ये देखते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो हमारे पास स्टोमोडियम की सर्फेस एक्टोडर्म होती है। ठीक है, स्टोमोडियम की सरफेस जो एक्टोडर्म होगी वो अपवर्ड एक पाउच सा बनाएगी। ठीक है, जिसे हम कहेंगे रथकेस पाउच। रथकेस पाउच हमारे पास ऊपर यानी कि क्रैनियली मूव करेगा, और इसका जो स्टॉक होगा वो बाद में डीजनरेट होगा, और ये आप ये जान लें कि ये हमारे पास ये आया हुआ है। ठीक है, ये ऊपर से हमारे पास जो फोर ब्रेन है, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस के साथ अटैच्ड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे पास इन्फंडिबुलम होती है उसके थ्रू। तो हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, तो ऊपर से हमारे पास जो फोर ब्रेन का पार्ट होता है डायनसेफलॉन, वहाँ से हमारे पास एक ईविजिनेशन डाउनवर्ड होती है। ठीक है, ये हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं। तो डाउनवर्ड ईविजिनेशन होगी, तो ईविजिनेशन जैसे हमारे पास अगर यहाँ से करें ईविजिनेशन जो होगी तो उसकी जो स्टॉक होगी वो इन्फंडिबुलम बन जाएगी, और उसका जो लास्ट पोर्शन होगा वो हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी बन जाएगा। ये इस तरह हमारे पास, ये देखो, ये चीज़ हमारे पास इस तरह आएगी। तो अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसका ताल्लुक न्यूरॉन से होगा। देखो, वो नर्वस सिस्टम से आई है, वो ऊपर से आई है। जो इंटीरियर पिट्यूटरी होगा वो हमारे पास फ्रेंजियल एपिथीलियम, जो हमारे पास एक्टोडर्म है स्टोमोडियम की, फ्रेंजियल एपिथीलियम से आई है। तो इसका ताल्लुक हमारे पास एपिथीलियम यानी सिक्रीशन से होगा। तो एक्चुअल जो ग्लैंडुलर फंक्शन है वो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी, इसी वजह से हम कहते हैं कि एक्चुअल जो हमारे पास इंडोक्राइन फंक्शन होगा पिट्यूटरी का वो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी एज सच, हम अगर स्ट्रिक्ट सेंस में कहें तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन आते हैं वो नर्व्स के थ्रू ऊपर से आते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। अब हम सेलुलर लेवल पर थोड़ा सा जाते हैं। तो जब हमारे पास, हमने कहा था कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी की ऊपर ईविजिनेशन हुई है तो उसे हम कहते हैं रथकेस पाउच। ठीक है, वो जो हमारे पास ऊपर गया था ना एंटीरियर पिट्यूटरी का एडिनो हाइपोफाइसिस रथकेस पाउच था। ठीक है, इसकी जो जो इंटीरियर वॉल होती है
तो वो थिक होती जाएगी, ठीक है, इंटीरियर वाल थिक होती जाएगी 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 और आहार में हमारे पास एक ग्रूव या फिशर सी बच जाएगी, ठीक है। तो इस ये हमारे पास कम्प्लीटली हमारे पास थिक होती जाएगी और ये हमारे पास कम्प्लीटली यानी सॉलिड स्ट्रक्चर बन गई है, ठीक है। आप ये कहें कि सॉलिड, ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनने के लिए कोशिश कर रही है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास जहाँ तक एपिथेलियल सेल्स भर जाएंगे इसमें, यानी जो हमारे पास रथ के पाउच था वो पाउच नहीं रहा बल्कि वो इंटीरियर पिचुटरी में कन्वर्ट हो रहा है और दरमियान में ये हमारे पास ये है। इसकी जो पोस्टीरियर वाल होगी वो हमारे पास एक ही सेल की एक ही लाइन होगी और उसे हम कहेंगे, अच्छा अब ये हमारे पास जो फिशर है, जो फिशर बना है इसकी थिकनेस की वजह से पोस्टीरियर पिचुटरी की, तो उस फिशर की वजह से जो हमारे पास पिचुटरी था, एडिनो हाइपस था, हाइपोफाइसिस था, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। जो ये वाला इंटीरियर पार्ट होगा उसे हम कहते हैं पास डिस्टेलिस, ठीक है। जो हमारे पास इस फिशर के पोस्टीरियरली है उसे हम कहते हैं पास्ट इंटरमीडियस, पास्ट इंटरमीडिया, ठीक है। इंटरमीडिया उसे इसीलिए कहते हैं कि अगर उससे भी पीछे जाएं तो उससे पीछे हमारे पास पोस्टीरियर पिचुटरी है, जिसे हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, और न्यूरो हाइपोफाइसिस का ये वाला पोर्शन हम कहते हैं कि पास नर्वोसा, ठीक है। और न्यूरो हाइपोफाइसिस का जो ऊपर हमारे पास स्टाक बनता है ये तो आप जानते ही, इसे हम इन्फेंडिबुलम कहते हैं, ठीक है। इन्फेंडिबुलम के थ्रू ही हमारे पास जो पिचुटरी होता है वो ऊपर हाइपोथैलेमस के साथ लटका हुआ होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो ये हमारे पास जो पास डिस्टेलस बना है इसकी एक ऊपर एक्सटेंशन है, ये देखें, ये मैंने ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा होगा, जो इन्फेंडिबुलम को सराउंड कर रहा है, कॉलर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है ये, और ये हमारे पास पास डिस्टेलस की ही ऊपर एक्सटेंशन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पास ट्यूबरेलस, क्योंकि ये ट्यूब लाइक उसके ऊपर जो इन्फेंडिबुलम होता है उसको सराउंड कर रहा होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं पास ट्यूबरेलस, ठीक है, ये हमारे पास। अब हम अलग अलग आते हैं कि जो पास डिस्टेलस है या पास ट्यूबलेलस है, इनमें कौन कौन से सेल्स होते हैं, ठीक है। अब हम अलग लगाते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास डिस्टेलस है, उसमें हमारे पास फाइव टाइप्स के सेल्स होते हैं, ठीक है। पास डिस्टेलस में फाइव टाइप्स के सेल्स पहले हम लिख लेते हैं, तो उन सेल्स की सिक्रीशंस बहुत थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आप याद कर लें, एक शार्ट क्वेश्चन आ सकते हैं उन पर, ठीक है। पास डिस्टेलस के पाँच टाइप के सेल होते हैं, ठीक है, इनको आप याद रख सकते हैं कि सम लाइन्स कैन गिव ट्रबल, यानी कुछ सम लाइंस, यानी कुछ जो लाइंस होती हैं ट्रबल देती हैं, तो इससे हम यानी एस से हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएंगे, अगर हम देखें तो सबसे पहले सोमेटोट्रॉफ्स आ जाते हैं, ठीक है, ये उसके फाइव टाइप्स के सेल्स हैं, सोमेटोट्रॉफ्स, ठीक है, लाइंस इलेक्ट्रोट्रॉफ्स, उसके बाद हमारे पास कॉर्टिकोट्रॉफ्स आते हैं, यानी क्या है, सम लाइंस कैन गिव ट्रबल, ठीक है, इसे आप याद करें, कॉर्टिकोट्रॉफ्स, ये हमारे पास सीक्वेंस से हैं, जितना आप आगे जाएंगे उतने ही सेल्स कम होते जाएंगे, यानी सबसे ज़्यादा एबंडेंट ये होंगे, उससे ज़्यादा बंडे ये हमारे पास आगे जाते जाएंगे डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। कॉर्टिकोट्रॉफ्स के बाद हमारे पास गोनेडोट्रॉफ्स है, और गोनेडोट्रॉफ्स के बाद हमारे पास लास्ट में है थायरोट्रॉफ्स। तो अब हम इन सेल्स की थोड़ी सी ये देख लेते हैं कि ये सेल्स क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इन सेल्स का क्या हो, इन सेल्स की शेप क्या है या इन सेल में कौन कौन से ग्रेन्यूल्स हैं, ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी नहीं पूछेगा इंशाल्लाह। तो आगे हम अब देखते हैं कि सोमेटोट्रॉफ्स क्या रिलीज़ करते हैं। सोमेटोट्रॉफ्स हमारे पास सोमेटोट्रोपिन रिलीज़ करते हैं, एक हार्मोन है जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, ठीक है। पहले हम सबसे पहले इसे पढ़ते हैं, सोमेटोट्रोपिन, ठीक है, सोमेटोट्रोपिन हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है, इसको हम डिटेल में फिजियो में पढ़ेंगे, ठीक है। बस ये याद रखें कि सोमेटोट्रोपिन। अब हमारे पास लेक्टोट्रोफ है, तो लेक्टोट्रोफ हमारे पास कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, प्रोलेक्टिन, ठीक है। लेक्टोट्रोफ कौन सा, प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं फीमेल में भी हैं और मेल में भी। सबसे पहले हमारे पास फीमेल में क्या करते हैं, फीमेल में दो फंक्शन करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये क्या करते हैं कि जो मेमेरी ग्लैंड्स होते हैं, इसलिए हमारे पास लेक्टोट्रोफ्स को मेमोट्रोफ्स भी कहते हैं, ठीक है, मेमेरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट करते हैं, यानी डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। और दूसरा फंक्शन फीमेल में करते हैं कि आफ्टर डिलीवरी ये लैक्टेशन करवाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास प्रोलेक्टिन। अब मेल में इसके दो फंक्शन क्या हैं, मेल में भी दो फंक्शन हैं, एक तो हमारे पास ये सेक्सुअल डिज़ायर को कंट्रोल करते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर को कंट्रोल करते हैं, और दूसरा हमारे पास इसका ये फंक्शन है कि मॉड्यूलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज, मॉड्यूलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज। उसके बाद हम आते हैं कॉर्टिकोट्रोफ्स पर। कॉर्टिकोट्रोफ्स नेम से है कि वो क्या रिलीज़ करेगा, कॉर्टिकोट्रोफ्स एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिन, ठीक है,
एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जाके हमारे पास एड्रिनल कॉर्टिक्स में लाई करेगा। इसकी डिटेल भी हम फिजियो में, एड्रिनल वाले चैप्टर में फिजियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा हार्मोन भी रिलीज़ करता है जिसे हम कहते हैं बीटा लाइपोट्रोपिन, बीटा लाइपोट्रोपिन। बीटा लाइपोट्रोपिन क्या है? बीटा लाइपोट्रोपिन आपके पास एडिपोसाइट्स होते हैं, एडिपोसाइट्स फैट्स के रिजर्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ फैट का ब्रेकडाउन और मोबिलाइजेशन कौन कराता है? बीटा लाइपोट्रोपिन, ये याद रखें, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम करते हैं गोनेडोट्रोफ्स। गोनेडोट्रोफ्स हमारे पास कौन से हार्मोन रिलीज करेंगे? गोनेडोट्रोफ्स दो हार्मोन रिलीज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा वाला हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे पास फीमेल में दो फंक्शन करेगा, ठीक है। एक हमारे पास ये फोलिकल से रिलेटेड है, यानी कि आप उसी से आप देख सकते हैं कि फोलिकल की मैचुरेशन करवाएगा, ठीक है, यानी फोलिकल्स की मैचुरेशन करवाएगा। और मेल में ये क्या कराएगा? सर्टोलाइक की मैचुरेशन कराएगा ताकि वो स्पर्म प्रोडक्शन, और ये क्यों कराता है? ताकि ओव्यूलेशन आगे हो, ठीक है, ओव्यूलेशन के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजेशन क्या होती है के कॉर्पस ल्यूटम फॉर्मेशन, ठीक है, सॉरी। तो फीमेल में इसने ओव्यूलेशन और कॉर्पस ल्यूटम फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। मेल में हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं उन पर एक्ट करता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसीलिए हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और खुसूसन उसका जो ये वाला एंटीरियर पिट्यूटरी होता है उसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि यही सारे हार्मोन रिलीज करते हैं और पूरी बॉडी के फंक्शंस को करता है, ठीक है। ये था हमारे पास, हमने कर दिया जो पास जो एडिनोहाइफाइसिस का जो पार्ट था पास डिस्टेलिस, ये उसमें हमारे पास फाइव टाइप्स के सेल्स सिर्फ उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या था? पास डिस्टेलिस। उसके बाद ये है पास इंटरमीडियस और ये है पास नर्वोसा। इनके सेल्स भी हम डिस्कस करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, इनके सेल्स डिस्कस करेंगे थोड़े से।